हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे HTML और उसकी कॉन्सेप्ट पर। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज HTML? सबसे पहले तो बात करेंगे HTML होता क्या है और क्यों इसे यूज़ किया जाता है, खासकर इंटरनेट में कहाँ पर यूज़ किया जाता है। HTML वॉज इन्वेंटेड इन नवम्बर 1990 बाई अ साइंटिस्ट कॉल्ड टिम बर्नर्स-ली। सबसे पहले इसे बनाया था नवंबर 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने। द पर्पज वॉज टू मेक इट ईजियर फॉर साइंटिस्ट एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज टू गेन एक्सेस टू ईच अदर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स। ये बनाया इसलिए गया था ताकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि अलग अलग कंट्रीज में बिलोंग कर रही थी, वहाँ पर जो रिसर्च करने वाले लोग थे, जो एक सेम प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे थे, वो लोग चाहते थे कि अपनी चीज़ों को एक दूसरे से शेयर किया जाए, और उसके लिए उन्होंने ये HTML डेवलप किया और इसके थ्रू रिसर्च डेटा को ट्रांसफ़र किया जाने लगा, एक्सेस किया जाने लगा। HTML इज़ अ फॉर्मेट दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू डिस्प्ले अ वेब पेज। ये एक फॉर्मेट है, लिखने का तरीका है, दैट tells the computer how to display a web page, कैसे वेब पेज को दिखाया जाए। The document themselves are plain text file with special tag। यहाँ पर documents जो होते हैं वो text की form में होते हैं और उनमें special tags लगाए जाते हैं। Tags के through ये जो text होते हैं वो work करते हैं। और codes that web browser uses to interpret and display information on your computer screen। Computer इस चीज़ को समझता है, उन टैग के अकॉर्डिंग उन्हें पहचानता है, और वो जो टैग कहना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को परफॉर्म करवाता है आपकी स्क्रीन पर। The World Wide Web, जिसे हम www या w3c कहते हैं, consortium has given a set of standard, ये जो w3c का कॉन्सेप्ट दिया गया वो स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड सेट था, वाइल बिल्डिंग द HTML लैंग्वेज, जब हम लोग HTML लैंग्वेज बनाने के लिए डिज़ाइन करते थे। जब W3C यूजेज सम स्पेशल वर्ड्स टू डिफाइन एन एक्शन, अ टैग इज स्पेशल वर्ड्स इंक्लोज एंगल ब्रैकेट्स। तो ये W3C जो क्या करता है, वो टैग्स को ढूंढता है और टैग्स के अकॉर्डिंग आगे के काम को परफॉर्म करता है, और टैग्स को एंगल ब्रैकेट, जिसे हम ग्रेटर देन और लेस देन साइन कहते हैं, उनके बीच में यूज़ किया जाने वाला टैग है। अ टैग टेल्स द ब्राउजर टू परफॉर्म एन एक्शन एज आस्क्ड बाय द स्पेशल वर्ड। टैग ही बताता है ब्राउजर को, ब्राउजर जो आप जानते हैं कि ब्राउजर क्या होता है, एक इंटरनेट को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर जिसे हम ब्राउज़र कहते हैं, जिसकी मदद से हम वेब पेजेस को खोल पाते हैं, वेबसाइट्स को देख पाते हैं। तो ये ब्राउज़र इन टैग की मदद से पहचानता है कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। द स्पेशल वर्ड्स मे बी रिटन ईदर इन लोअर केस और अपर केस। जो आपके वर्ड्स या टैग लिखे जाते हैं वो लोअर केस में या अपर केस में हो सकते हैं। The browser will respond to both the case equally, चाहे वो lower case में लिखे हों चाहे वो upper case में लिखे हों, browser उन्हें उनके character से पहचानता है और उनके according perform करता है। अब यहाँ पर the characteristics और features of tags के बारे में बात करी जा रही है। characteristics and behavior, जिसे हम कहते हैं क्या करें कैसे करें, by an attribute, उनको attributes के through define किया जा रहा है। An attribute is used inside a tag, inside a tag attributes को use किया जाता है। An attribute always takes a value to help the browser perform the specific task, और ये जो attribute होते हैं वही help करते हैं browsers की उस tag के actions को perform करने के लिए। Task is a particular direction, उनको एक सही दिशा देते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शंस देते हैं। देयर मे बी मोर देन वन एट्रीब्यूट यूज इनसाइड अ टैग,
कभी कभी एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को टैग के अंदर यूज किया जाता है। एट्रीब्यूट्स और टैग के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर के अंदर। एंड एलिमेंट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार टैग, टेक्स्ट वी यूज टैग टू इंसर्ट अ ग्राफिक्स एंड एंड टैग। एक स्टार टैग होता है और एक एंड टैग होता है। और ये टैग जैसे मैंने आपको बताया कि एंगल ब्रैकेट के अंदर होते हैं। और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज शोन बिलो। यहाँ पर एक रफ डायरेक्शन, आपको रफ पेज दिखाया गया है जिसमें क्या बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स जरूरी चीजें जो हैं आपको HTML पेज बनाने के लिए। तो HTML पेज में पहला HTML स्टार्ट होइंग से होता है टैग से, और एंड हमेशा स्लैश HTML जिसे हम एंड टैग कहते हैं, ये स्टार्ट टैग कहलाता है जिसमें कि स्लैश नहीं लगा होता है, और एंड टैग कहलाता है जिसमें स्लैश लगा होता है। उसके अलावा भी टैगिंग के अलग अलग मीनिंग हैं। स्टार्ट और एंड का यही मीनिंग है। स्टार्ट टैग में स्लैश ब्रैकेट से स्टार्ट नहीं करते हैं टैग के अंदर, और एंड ब्रैकेट में स्लैश से स्टार्ट करते हैं। तो HTML पेज में HTML स्टार्टिंग में होता है और एंड टैग से ख़त्म होता है, पेज वहाँ से शुरू और ख़त्म होता है। उसके बाद उसे दो भाग में बांटा जाता है। पहला भाग जिसे हम हेड कहते हैं, हेडिंग उसमें डाली जाती है, और इसमें टाइटल होता है हेड, कि डॉक्यूमेंट पेज किस चीज़ से बना है या किस के लिए डिज़ाइन किया गया है। हेडिंग टाइटल्स वहाँ होते हैं, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हेडिंग टाइटल के बाद में आती हैं बॉडी पोर्शंस पे, जहाँ पे हम HTML पेज को डिफाइन करते हैं या उसके अंदर क्या चीज़ें हमें दिखानी है उसे। तो हम बॉडी ऑफ द टेक्स्ट, बॉडी ऑफ द HTML कहते हैं, वहीं पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो टाइटल वो जिसके थ्रू हम किसी वेब पेज तक पहुंचते हैं कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, टाइटल, और क्या इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी बॉडी पार्ट के अंदर आती है, बॉडी पार्ट। और आगे के क्या चीज़ें होंगी वो हम लोग देखेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इंटू टू सेक्शन, अभी हमने बताया ऊपर। एक पार्ट जिसे हम हेडिंग कहते हैं वो बताता है कि आपकी फाइल किस तरह की है, उसका नाम क्या है, जिसकी मदद से हम लोग सर्च करते हैं वेबसाइट पर। और फिर जब वो सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है, हेडर पार्ट मिल जाता है आपका, तो फिर वो बॉडी पार्ट खोलता है उसका, और बॉडी पार्ट के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। डिवाइड इनटू टू सेक्शंस नेमली द हेड एंड बॉडी। द ब्राउजर एंटर्स द फर्स्ट सेक्शन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टार्ट टैग। ब्राउजर जो होता है वो HTML टैग को देखता है, अगर HTML टैग मिल जाता है तो अंदर चला जाता है, टेलिंग द ब्राउजर टू बिगिन द इंटरप्रेटिंग, और वो ब्राउजर से कहता है हाँ आप स्टार्ट कर सकते हो इंटरप्रेट, अब आप इसे इंटरप्रेट करना है, स्टार्ट कर सकते हो, ट्रांसलेट करना। एंड दैट टैग्स ऑफ हेड, वो हेड टैग को देखता है, आपके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आप कोई चीज़ सर्च करते हो वेब ब्राउजर पर, तो आप कोई भी चीज़ लिखते हो तो उससे रिलेटेड पेजेस आने लगते हैं, दैट इज द हेडिंग पार्ट। द फर्स्ट सेक्शन हेल्प्स टू चेंज द हेडिंग्स ऑफ अ टाइटल बार और द HTML डॉक्यूमेंट्स द वेब पेज। द स्टार्टिंग ऑफ हेडिंग इज शोन आफ्टर द स्टार्ट टैग। स्टार्ट टैग के बाद में आपको हेडिंग दिखाई पड़ती है टाइटल की, और टाइटल को स्टार्ट और टैग, स्टार्ट और एंड टैग के बीच में आप लिख सकते हैं। सब एंड सब टैग ये क्या होते हैं, सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के लिए अगर हम बताएं तो ऐसे टैग जिनमें हमें ज़रूरत पड़ती है सबस्क्रिप्ट लिखने की। सबस्क्रिप्ट छोटा करके नीचे की ओर जिसे हम लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, जैसे S2O, दिस इज टू इज अ सबस्क्रिप्ट पार्ट, छोटा करके लिख रहा है, इसको H2O नहीं लिख रहा है। तो ये सबस्क्रिप्ट पार्ट में होता है कि हम चीज़ों को फॉर्मूले के फॉर्म में, खासकर केमिस्ट्री के फॉर्मूले में हम लोग यूज करते हैं। और फिर आता है सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट जो कि हम नॉर्मली मैथ के फॉर्मूले में यूज करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ये स्क्वायर जो है वो अपर पार्ट में चला जाता है, पावर्स वगैरह को शो करने के लिए दिखाई पड़ता है, तो ये हम सुपर स्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट लिखने के लिए यहाँ पर ये टैग दिए गए हैं, सब एंड सब। फिर
आपको एक काम और काम करना है कि एक ही वेब पेज आपको डिज़ाइन करना है, मतलब एक HTML और उसी के अंदर बॉडी के अंदर जो प्लेन है कमांड्स आ रहे हैं उनको ऐड करते जाना है। हेड एक बार लिखना है, हेड के अंदर आपके वो टाइटल आएगा, टाइटल के अंदर एक बार टाइटल आपने लिख लिया HTML वर्किंग या कुछ भी अपना नाम डाल के HTML पेज कर दीजिएगा, और फिर आगे कमांड्स बढ़ाते जाइएगा। जैसे जैसे कमांड आपको मैं देता जाऊंगा वो कमांड वहाँ पर रखकर एग्जीक्यूट करते जाइए। और एक और बात, अगर पॉसिबल हो तो HTML के लिए मैंने जो एप्लीकेशन आपको बताई थी या दूसरी एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर सकते हो, आप अपने मोबाइल फ़ोन पर या सिस्टम पर वो एप्लीकेशन के थ्रू वर्क कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे बात करते हैं सब और सुपर में कैसे इन्होंने वर्क किया है। जैसे यहाँ पर 2xy+y लिखा हुआ है और 2 को उन्होंने सब सुपर स्क्रिप्ट बनाया है। तो यहाँ पर देखिए आप x+y का यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है और h2o ये एग्जांपल्स के तौर पर दिए गए हैं कि सब स्क्रिप्ट कैसे वर्क कर रहा है और सुपर स्क्रिप्ट कैसे वर्क कर रहा है। तो H2O के लिए यहाँ पर 2HO देन सब लगाया गया है और H2O में देखिए सब सब के बीच में देखिए 2 लगाया गया है, सब 2 सब स्लैश सब। तो H के बाद में 2 को छोटा कर दिया गया है जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा H2O में, और फिर O को फिर बड़ा कर दिया गया है क्योंकि सब को फिनिश कर दिया गया है, सब स्क्रिप्ट को ख़त्म कर दिया गया है। एंड टैग स्टार्ट से शुरू किया गया और एंड टैग से ख़त्म कर दिया गया, तो केवल वो पोर्शन जो सब स्टार्ट टैग और सब एंड टैग के बीच में आ रहा है वही केवल सब स्क्रिप्ट के तौर पर वर्क करेगा और दूसरे टैग्स नॉर्मल फॉर्म में रहेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स के तौर पर द एंड ऑफ अ हेड, एंड ऑफ अ बॉडी, द एंड ऑफ अ हेड टेल्स द ब्राउजर दैट एंड ऑफ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ हैज कम। ऊपर वाला पार्ट खत्म हो चुका है, हेडिंग का पार्ट खत्म हो चुका है। ये हेड स्लैश हेड से पता चलता है कि हम हेडर पार्ट को खत्म कर चुके हैं। द सेकेंड सेक्शन बिगिन विद स्टार टैग ऑफ बॉडी, और दूसरा सेक्शन जो है वो बॉडी का जहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं वो पार्ट शुरू हो गया है। द डेटा ऑन द वेब पेज इज डिस्प्लेड थ्रू द टैग यूजिंग इन द एक्स सेक्शन। The end tag of body tells the browser that end of the web page has come. और slash body से पता चलता है कि body part भी खत्म कर रहे हैं, अब हम HTML close करने वाले हैं या web page को खत्म करने वाले हैं। The container tag क्या होता है, जिसमें start और end दोनों tag आए, उनके बीच में कोई information लिखी गई हो, जैसे head और slash head के बीच में कोई information लिखे तो वो heading part ही कहलाएगा। इसे हम कंटेनर बंद करके रखने वाला, जैसे आप एक डिब्बे को ले लें, कंटेनर को ले लें, उसमें नीचे भी क्लोजिंग एंड होता है और ऊपर ढक्कन होता है जिसे बंद करने पर दोनों सिरे बंद हो जाते हैं और उनके बीच में इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया जाता है या चीज़ों को रख लिया जाता है। ऐसे ही इसे हम स्टार्ट और एंड टैग कहते हैं जिससे कि इंफॉर्मेशन को क्लोज करके रखा जाए। लेकिन एम्प्टी टैग भी होता है जिसमें केवल स्टार्ट टैग होता है, एंड टैग स्लैश वाला नहीं होता। जैसे बी आर में केवल कंटेनर के अंदर ये यहाँ पर आपको टैग जो होगा वो केवल स्टार टैग मिलेगा, स्लैश बी आर नहीं मिलेगा, क्योंकि बी आर का काम होता है लाइन को ब्रेक करना। द एम्प्टी टैग इज स्टैंड अलोन टैग दैट इम्प्लाइज दैट सच अ टैग हैज बिगनिंग बट नो एंडिंग टैग। स्टार्टिंग टैग होगा लेकिन एंडिंग टैग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बी आर, द टैग इज यूज फॉर एडिंग वन लाइन ब्रेक। जहां पर आपको लाइन को ब्रेक करना हो वहां पर आप बी आर लगाएंगे। आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस एक लाइन में बीच में सेंटेंस के आप बी आर को यूज कर दें, जैसे दिस इज स्लैश यहां पर बी आर लगाया और मी, दिस इज मी, तो दिस इज तो पहली लाइन में लिखेगा और बी आर ब्रेक लाइन कर दिया है तो मी आपका अगली लाइन में लिखेगा। इससे क्या होगा, ये जिस जगह पर बी आर यूज किया जाएगा एक सेंटेंस के बीच में या कहीं और, तो जहां पर ये यूज किया जाएगा उसके आगे की लाइन को अगली लाइन में, आगे की वर्ड्स को अगली लाइन में शिफ्ट कर देगा। तो ये कहलाएगा ब्रेक द लाइन कमांड।
Such a tag does not need an end, so tells the browser that end of the break has come because there is no need. Such a tag is called empty tag. In practice, a tag ko hum empty tag kehte hain. HR is also empty tag. इस तरीके से बहुत सारे टैग्स हैं जो एम्प्टी टैग के तौर पर यूज होते हैं. इसमें एचआर टैग भी है. हॉरिजॉन्टल के लिए यूज किया जाता है, हॉरिजॉन्टल रूल्स के लिए, हॉरिजॉन्टल में स्पेस को बढ़ाने के लिए. वेब पेजेस कमेंट टैग इज आल्सो एन एम्प्टी टैग. कमेंट, अगर आपको कुछ लिखना हो तो कमेंट टैग के थ्रू हम ये चीज करते हैं, वहां पर भी एम्प्टी टैग होता है. इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ एचटीएमएल source code, and with the tag you can insert a description about a command. आप इस टैग की मदद से किसी कमांड के डिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं. अब बात करते हैं बॉडी टैग्स में एट्रीब्यूट की. बॉडी का एक बैकग्राउंड होना, बीजी कलर जिसे हम कहते हैं. The background of web page is displayed with the color that is being taken as a value of this attribute. यहाँ पर अगर हम अपने वेब पेज के बैकग्राउंड को पीछे, जैसे सपोज करिए आप वाइट पेपर पर लिख रहे हो, ब्लू पेपर पर लिख रहे हो, तो बैकग्राउंड उसका ब्लू या वाइट हो गया. इसी तरीके से हम बीजी कलर की मदद से अपने जो वेब पेज है उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं. बैकग्राउंड, द बैकग्राउंड ऑफ वेब पेज इज डिस्प्लेड विद द इमेज हूज एड्रेस इज टेकन एज अ वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट. यहाँ पर आप इमेज बैकग्राउंड की मदद से लगा सकते हैं. बैकग्राउंड ऑफ वेब पेज इज डिस्प्लेड विद एन इमेज हूज एड्रेस इज टेकन एज वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट. फिर आता है टेक्स्ट. टेक्स्ट के लिए स्पेसिफिक द कलर ऑफ अ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. इसकी मदद से हम टेक्स्ट के कलर को सेट कर सकते हैं. लिंक, एक और चीज आपने देखी होगी, जब आप वेब पेज यूज करते हो या इंटरनेट पर चीजें यूज करते हो जहाँ पर आपको वेबसाइट्स के लिंक मिलते हैं कि यहाँ पे क्लिक करिए, और वो चीज़ किसी कलर से दिखाई पड़ती है. लिंक विथ कलर, डिफाइन द कलर ऑफ अ लिंक. यहाँ पर आप किसी कलर को सेट कर सकते हैं, लिंक के लिए एक पर्टिकुलर कलर यूज कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट यहाँ ब्लू कलर दिखाई पड़ता है, कभी कभी रेड कलर दिखाई पड़ता है. ये सारी चीज़ें सेट होती हैं. अ लिंक, डिफाइन द कलर ऑफ एन एक्टिव लिंक इन अ डॉक्यूमेंट. कौन सा लिंक इस वक्त एक्टिव है, वर्क में कर रहा है, या जिसे आपने क्लिक कर दिया है, दैट इज नोन एज अ एक्टिव लिंक. यहाँ पर केवल लिंक दिखाई पड़ेंगे जितने आपसे हैं, या और यहाँ पर एक्टिव लिंक दिखाई पड़ेंगे. और वी लिंक के थ्रू आप देखेंगे विजिटेड लिंक, जिन जिन लिंक्स को आप क्लिक कर चुके हो, जहाँ पर जा चुके हो और वापस आ चुके हो, दैट इज नोन एज विजिटेड लिंक. तो ये अलग कलर से आप चाहें तो दिखा सकते हैं. फिर बात आती है हेडिंग की. हेडिंग सिक्स टाइप की एचटीएमएल में होती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6 से. और जिनकी साइज, कैरेक्टर की साइज कम या ज़्यादा होती रहती है, H1 में सबसे बड़ी साइज दिखाई पड़ेगी और H6 में सबसे छोटी साइज का कैरेक्टर लिखेगा. उस तरीके से हम लोग कैरेक्टर की या स्टेटमेंट की या सेंटेंस की साइज को छोटा कर सकते हैं. आज हम लोग केवल इस बारे में बात कर रहे थे कि HTML क्यों यूज किया गया. तो साइंस पर्पज के लिए उसे बनाया गया था, लेकिन बाद में जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाने लगा. वेब पेजेस पर टैग्स बताते हैं, हेल्प करते हैं कोडिंग की फॉर्म में कि अब क्या करना है, और उसकी मदद से वेब पेजेस डिजाइन किए जाते हैं, उनके कंटेंट को लिखा जाता है. आगे हम लोग इनके कंटेंट को देखते रहेंगे. कुछ खास चीज़ें जो आपको ज़रूरी हैं, मैंने एक और चीज़ बताई जो प्रैक्टिस आपको करनी है. दूसरा, बॉडी टैग और जो हेडर टैग है, दो पार्ट जो डिफाइन किए गए हैं. बॉडी टैग के अंदर के जितने एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब कौन कौन से टैग उसमें क्या क्या काम करेंगे, किस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, एक एक करके आप देखते रहेंगे, और जितनी चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाए उन्हें अच्छे से लिख लेंगे कि ये किस काम के लिए आता है. जैसे बीजी कलर किस काम के लिए आता है, टेक्स्ट किस काम के लिए आता है, लिंक किस काम के लिए आता है, एचआर किसके लिए आता है, बीआर किसके लिए आता है. तो ये अपने अकॉर्डिंग, अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग रखना है. ओके, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.